बुराई और लोग नेता आकाशवाणी से भी वो गीत आता था। उस गीत की मैं पंक्ति आपको सुनाता हूँ जिसको माधव सिंह भंडारी उस समय जो शिवजनी थे शिवजनी ने इसमें स्वर दिया था और इसमें ताल भी उन्होंने दिया था तो उस समय हम लोग सुनते थे उसको। दाल दाली रह गई माधो सिंगा दाल दली रह गई माधो सिंगा चोल छड़या रह गई माधो सिंगा बार एने बगवाली माधो सिंगा मेर माधो नहीं आयो माधो सिंगा तेरी रानी बोराणी माधो सिंगा। तो माधो सिंह पर जो उनका रचनी थी इसको बहुत देश के अंदर बहुत जगह उनके हजारों जगह इसका जिक्र हुआ है लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं अपना इसका फैलाव करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन मैं संक्षिप्त में अपनी बात को कह देता हूँ। वह ये है कि इंद्रमणि बडोनी जी उसके बाद बहुत छोटे उन्होंने इतने बहुत बड़े नेता बनने की उनकी कभी कोई ख्वाहिश नहीं रही और बहुत बड़ा दिखने की भी ख्वाहिश नहीं रही। इंद्रमणि बडोनी जब बोलते थे तो बहुत सामान्य भाषा में बोलते थे, उनकी भाषा में बहुत ज्यादा लालिजी नहीं होता था, उनकी भाषा में बहुत ही लफाजी नहीं होती थी, उनकी भाषा में बहुत बड़े बड़े सपने नहीं होते थे, उनके आंदोलन में बहुत सारे करने की वो जिसको कहते हैं कि हम दिखाने का एक बहुत बड़ा एक पुराना खत खुला अनजाने कि आप जैसे लोग मिले अफसाने में और जब एक पुराना खत खुला अनजाने में हमने शाम के साये वादिस्तों से नापे हैं आपने इतनी देर लगा दी आने में। और हमारे पहाड़ में एक किस्सा है जो गुछाणी पृथ्वीदास वो गुछाणी घूमरेगा। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपकी व्यस्तता रही होगी, आपका फोन भी आ गया था कि कोई अर्जेंट काम आ गया था और इस वजह से उन्होंने एक कार्यक्रम को शुरुआत करने की मुझसे कहा था कि आप कार्यक्रम को शुरू करें और बहुत जरूरी काम एक आ गया है, मैं विलम्ब हो रहा हूँ और आप विलम्ब न करें। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं चाहूंगा कि वो संक्षेप में अपनी बात रखें और हमें आशीर्वाद दें। श्री टी एस मन्ना और इंद्रमणि बडोनी जी के आयामों पर एक विस्तार से उन्होंने बातें की, उनका सांस्कृतिक पक्ष, उनका सामाजिक पक्ष, उनका राजनीतिक पक्ष विस्तार से उन्होंने बातें की और माधव सिंह मल्होत्रा के बारे में एक सिंह शेर सिंह एक सिंह गाय का एक सिंह माधव सिंह और सिंह काहे का ये जो लाइनें उन्होंने कही थी और ये सिर्फ बडोनी जी ने ही इस लाइन को सार्थक करने की कोशिश की थी, उस पर भी आपने बातें की और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब भी आपको याद करूं मैं आमंत्रित करूं आमंत्रित मैं क्या करूंगा मैं याद करूं तो मुझे ये विश्वास है कि आप जरूर समय निकाल करके आएंगे और हमारा हौसला बढ़ाएंगे। आज विशेषकर आपने मेरा मनोबल बढ़ाया। हमने एक कविता पढ़ी मैथिली संस्कृति की राष्ट्रगीत की कि चार चंद की चंचल किरणें गिर रही हैं जलधर में और सच चांदनी बिछी हुई है अवनि और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हर क्षणों के नोकों से और मानव झूम रहे हैं तर भी मंद पवन की झोंकों से। लेकिन आज हमारे बीच में जो किरण है वो मैत्री शरण गुप्त की शीतल किरण नहीं है, चंचल किरण नहीं है, गंभीर गहन और तेजस्वी किरण है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ और एक और हमारी शमिया संता उन्हें भेंट करना चाहती है, कृपया आ जाए श्रीमती किरण तिवारी। अगर किरण नहीं होती तो इतना तेज इतना ताप नहीं होता। आज बहुत कुछ दादी ने अपने को रोका है क्योंकि ये असल में ये साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजन है, राजनीतिक आयोजन नहीं है। मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन चाहूंगा और सुनो उसके योगदान नहीं।